जमावती की बात करें तो हमारे माजी साहब बड़े एक्सपर्ट हैं, माजी साहब के ये ऐसे मास्टर ट्रेनर थे कि जिन्होंने सातवें की शिकत ही निकाला, इन्होंने जम्मू में बता दिया कि भाई साहब आपका स्टाफ फिर गलत है, अगर आपने ये मॉडिफाई नहीं किया तो ये जमाबंदी नहीं हो पाएगी, इसकी रिजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी और उनको उस सॉफ्टवेयर में ठीक करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं क्लैरिकल एसोसिएशन इस बार का शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं हमेशा से ही अपने अवसर को काफी इज्जत बख्शते हैं, अपने अवसर के साथ शाना में शाना खड़े रहते हैं। डीसी साहब की मुस्लिम प्यार थी, उसके बाद साथ साथ एस डी एम साहब भी निकल गए, बाकी लोग भी निकल के चले गए। यही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर हर समय चैलेंजेस रहते हैं। एक ऑफिसर को जब वो किसी चीज का पोस्ट होता है उसके सेट गोल्स होते हैं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं, फिर भी हमारे ऑफिसर्स खास तौर पे मैं शुरुआत अपने डीसी साहब से करूंगा कि किश्तवाड़ के लोग बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं किश्तवाड़ के लोग कि उनको ऐसा डिविजनल डिप्टी कमिश्नर मिले हैं। और जब आपका लीडर विजनरी होता है जो आपको डिस्ट्रिक्ट को लीड करते हैं तो उनकी टीम ऑटोमेटिकली उसी राह पे चलती है, चाहे उसने हमारे डीएसडब्ल्यू साहब हमारे जुबेर साहब हूं इनको चाहे दिन रात करना काम करना पड़े। अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम कर रहा है तो उसमें भी हमारे डीसी साहब को प्रोत्साहन मिला इनको, और जब हमारा ऑफिसर हमको उस तरीके से काम कराते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है काम करने में। रेवेन्यू की अगर बात करें, हमारी किश्तवाड़ की रेवेन्यू की टीम मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूँ लेकिन किसी से कम नहीं है पूरे यूनियन टेरिटरी में। यहाँ के पटवारी, यहाँ के हमारे नायब तहसीलदार हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे खांडे साहब काफी एक्सपीरियंस है, हमारे नायब साहब जो सर्थल वाले एरिया में देखते हैं ये वाला त्रिगाम करके काफी चैलेंजिंग एरिया है, हमारे लिए बड़ी परेशानी थी, वहां पे एक बहुत बड़ा नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट बन रहा है, कुछ बॉटल नेक्स थे जो शायद किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने पर्सनली जो वहां के पटवारी है हमारे जो प्रेसिडेंट भी है इन्होंने मिलकर और शायद हमारे पीएम साहब के पोर्टल पे कोई भी अगर इशू था तो इन्होंने वो खत्म किया, इसके लिए ये बधाई के बाद। अब थोड़ा रहने कहा जाते हैं, 5 साल का टाइम तकरीबन मेरा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हो गया, 3 साल हार्ड जोन में, 1.5-2 साल थोड़े नॉर्मल जोन में आ गया, लेकिन वो हार्ड जोन वाला मेरे क्रेडिट में आ गया। तो इसी कारण से ट्रांसपेरेंट जो पोस्टिंग्स होती हैं वो गवर्नमेंट की मर्जी से होती हैं और गवर्नमेंट जो सोचती है सबसे बढ़िया सोचती है। हर एक व्यक्ति का हर जगह के लिए स्पेशल रोल होता है, शायद उस स्पेशल रोल के लिए हम किसी किसी जगह के लिए बने होते हैं, हमारा रोल कंप्लीट हो गया अब शायद किसी और जगह पे हमारा रोल जरूरत होगा तो हमें उस तरफ। हमारे पटवारी स्टेशन जो हमेशा काफी स्ट्रांग बड़ी थी लेकिन इनके कुछ जब स्टार्ट में मैं आया तो इनके कुछ इश्यूज थे कि बॉडी तो काफी स्ट्रांग है घर में देर में लेकिन होता इनका कुछ नहीं, तो हमने कहा भाई घर में देने की जरूरत ही नहीं है, आप मेरे साथ बैठे हम आपकी बात सुनेंगे तो घर में देने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
मुझे लगता है कि जब से मैंने यहाँ पे आया तो कोई भी धरना हमारी पटवारी क्योंकि मेरे साथ जब मैं बॉर्डर में था तो अल्लाह जी मेरे साथ आए, बहुत परेशान थे तो कलेक्ट्रेट हमें नया नया शिफ्ट किया था वहां पे, तो कहने लगे सर पता नहीं बीमार हो गया मैं, मुझे ये करो मुझे वो करो। मैंने कहा कुछ नहीं करो यार, मैं यहाँ बैठा आप भी नहीं करो, जो चीज कमरा चाहिए आप ले लीजिए। तो फिर उसमें इनके साथी थे, हरदीप थे, दूसरा हमारा ये शेर हमारे यहाँ पर जो है हमारे पटवारी भी मिलकर इन्होंने काम किया और इनको कंफर्टेबल पोजिशन पे बिठाया। और जो कलेक्ट्रेट कभी बॉर्डर में आया ही नहीं था उसको हमने वहां पे चालू कराया, अदरवाइज वो कलेक्ट्रेट जो था वो किश्तवाड़ से चलता। अब बॉर्डर का आदमी अगर उसने अपने ही पैसे लेने हैं वो किश्तवाड़ आएगा, वहां यहाँ के ऑफिसर उसको मिले ना मिले वो उसकी किस्मत है, क्योंकि ऑफिसर हमेशा बिजी होते हैं, ओवरबर्डन होते हैं। जब वो कलेक्ट्रेट हमने वहां पे चलाया मुझे लगता है कि सिर्फ डिग्री कॉलेज की पेमेंट हमने ऑन स्पॉट वहीं पे कर दी थी तो सारा इश्यू खत्म हो गया। ये जितना भी काम होता है ये आप हमारे ऑफिस पटवारी आप ही लोग करते हैं, आप ही ऑफिस में भी काम करते हैं, आप ही फील्ड में भी काम करते हैं। सजा जी थे हमारे वहां पर, ये वहां पे थोड़े दुखी रहते थे, लेकिन जब वो किश्तवाड़ में आए तो मैं इनकी वर्किंग देख के हैरान हो गया। मैंने कहा अरे यार सुबह से तो निकला परेशानी हुई और काम इतना जबरदस्त कि डीसी साहब की सारे के सारे कोर्ट केसेस ये ले और बहुत अब ये क्या है कि इनकी भी बात उस टाइम पे किसी ऑफिसर ने सुनी होगी तब जाके इनको राइट फोरम पे लाया और अपना काम करना शुरू कर दिया। उसी तरीके से हमारे मन में एक धारणा होती है कि हम पर्टिकुलरली हैंड पिक्ड किन्हीं लोगों को मान लेते हैं कि यही सारा काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी की कमी है। आप सब लोगों ने एक ही किस्म का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जब आप सब लोगों ने एक ही किस्म का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया इसका मतलब आप सब लोगों का बेंचमार्क तो एक ही है ना, उसके ऊपर ही आप आए तब सिलेक्ट हुए। हम कैसे मान लें कि ये कोई पटवारी नालायक के लिए कोई काबिल है? आपकी काबिलियत को खंगालना आना चाहिए। हमने यही कोशिश की, हमने नए चेहरों को अपॉर्चुनिटी दी, चाहे वो ऑफिस में हो, अच्छे आना शुरू हो गए, कंप्लेंट्स थोड़ी कम होना शुरू हो गई। और ये जो हमारा ट्रांसपेरेंसी है, हर एक चीज की ट्रांसपेरेंसी हमने लाई। मेडिकल ग्राउंड में इशू थे, दो पटवारी हमारे थे काफी बीमार रह गए थे, वो खुद हमने अपने आप को रिप्रेजेंट किया डीसी साहब के साथ, तो डीसी साहब आपको पता है एज ए ह्यूमन बींग उनका जैसा शख्सियत मुझे लगता है कोई कोई नहीं सकता है। बात को ध्यान में रखा और हमारे जितने के जो भी मुझे लगता है अब एक काम की बात, मेरा एक ही बात थी, ट्रांसफर तो अपनी मर्जी से नहीं बोलूंगा, आपकी चॉइस भी नहीं बोलूंगा, आपकी सहूलियत के हिसाब से हमने कर दिया, लेकिन काम लेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे। और मुझे जहां पर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हमारे सारे पटवारी ने बहुत बढ़िया काम किया, शायद क्वालिटी पर अगर जमाबंदी की बात करें तो हमारे माजिद साहब बड़े एक्सपर्ट हैं, काफी साहब थे, ये ऐसे मास्टर ट्रेनर थे कि जिन्होंने सॉफ्टवेयर की गलती निकाल दी, उन्होंने जम्मू में बता दिया कि भाई साहब आपका सॉफ्टवेयर गलत है, अगर आपने ये मॉडिफाई नहीं किया तो ये जमाबंदी नहीं हो पाएगी, इसकी विश्लेषण नहीं हो पाएगी और उस सॉफ्टवेयर में ठीक करना पड़ा। इसका मतलब कि आप लोगों को काम आता है, बहुत बढ़िया आता है, लेकिन राइट जगह पे राइट इंसान का इस्तेमाल करना जो हमारे डीसी साहब से बढ़िया कोई नहीं। हमारे आप इनके बाद हमारे गिरदार साहब आए जो नए नए पोस्टेड हो गए, प्रमोशन के बाद हो गए, वो भी अपनी जगह पे बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। खैर उनके साथ हमारा उतना कहते हैं कि थोड़ा दूर दूर ही चलेंगे, तो उम्मीद है हमारे साथ में गिरदावर और आए हैं वो अपना काम फिर से करेंगे, लेकिन ये सारे गिरदावर एक्सपीरियंस कटवा रही है, ये नॉर्मल कटवा रही है, ये इनको इनको महारत हासिल है जो नए पटवारी हैं।
मैं उसे यही कहूँगा, आप लोगों को कभी कोई परेशानी आती है तो हमारे गुरुदास साहब है इनके साथ बैठे या वो कई परेशानी से बाहर निकाल, क्योंकि जो गलतियां इन्होंने की है अगर आप इनके पास जाएंगे तो ये गलतियां या आपको करने नहीं देंगे या आपको जरूर समझाएंगे कि ये गलती हमसे भी आप हमारे नायक साहब है तो ये नायक साहब यहाँ पर बाकी तकरीबन हमारे ट्रांसफर हो गए हैं। राहुल जी बड़े एक्टिव रहे, ये इनको मैं तब से जानता हूँ, एक बार अचानक मेरे ऑफिस में आ गए, इनको काम था तो मैंने बोला आपको सर मैं नायब तहसीलदार चलाना था, इन्होंने मेरा बड़ा शजरा निकाल दिया जहाँ गई की मेरी कोचिंग के सारे कागज सर आपने ये मैंने कहा तो बड़ा एक्टिव रखा है ये तो किश्तवाड़ होना चाहिए सर। तो ऐसे किसी के साथ कभी कभी किसी से बात चली तो किसी से ऐसे मैंने बता दिया, मैंने कहा वो लड़का बहुत एक्टिव है, अगर वो किश्तवाड़ आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा, क्या बात कर ली अभी किस्मत इनकी बढ़िया थी, कभी चल जाता कभी नहीं चल जाता है, तो ये आपको छोटे से वक्त में इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया। अदरवाइज हमारे को काफी कंप्लेंट्स आ रही थी एक टाइम, खासतौर पर समन्वय नहीं बन रहा था, लेकिन इन्होंने वो सारी चीजें हटा दी, उसमें हमारे गुरीब साहब का बहुत बड़ा रोल रहा, वो प्रोएक्टिव अप्रोच लेके हर जगह पहुंच जाते थे, वो हमारी टीम बहुत बढ़िया चलने लगी। हमारे खांडे साहब तो खैर इनके बारे में कहना क्या है, ये बड़े एक्सपीरियंस फेलो है, ऐसे ही मुझे अननेसेसरी इतना ज्यादा मान दे देते हैं, फिर ऐसा कुछ था नहीं, आपकी काबिलियत ही ऐसी थी कि हर व्यक्ति आपके लिए मशहूर है। हमारे अशोक सर हो या आज के हमारे रजन डीसी साहब हैं, हमें कभी भी कभी कोई ऐसा इश्यू आ जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव, हम खांडे साहब करते थे, खांडे साहब आए आप चले थोड़ा सा हमारे साथ, अपने जितने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थे उनका इस्तेमाल करके चीजों को बिल्कुल ऐसे गर्म करते जैसे बिल्कुल भाई। अब तो खैर शायद पांच छह महीने बताया है, थोड़ा एडवांस है क्योंकि बड़े डायनेमिक है, हर एक मुद्दे को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, अभी शायद आप लोगों की बातचीत नहीं होगी, बड़ी चुपके से बैठे हुए हैं, आप लोगों की जितनी भी फीस वगैरह ये यही करेंगे, इनको मैंने बता दिया है सारा आपके रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स के रिलेटेड सब इनको जानकारी दे दी गई है, आपको कोई इशू इनसे नहीं आएगा। जो सेक्शन थी जिनमें मेरे साथ काम किया गया हमारे वाल में स्पेशली रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जावेद है, जावेद को मैंने हैंडपिक करके अपने साथ आया क्योंकि पहले ये मेरे पीए सेक्शन देते थे, जब मैं आया तो थोड़ा शर्माता होते हैं तो आने आना जाने करने लगे, तो मैंने तो काम देखा जो चिट्ठी उन्होंने लाई मेरे पास तो मैंने देखा या नहीं करता, तो उसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, फिर मैंने बोला आपने काम किया फील्ड में होता सर कतरा नहीं करता नहीं करना क्यों नहीं करना, कोई इशू बना था चलो बदकिस्मत इशू था, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की बात आई तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई प्रेशर, उन्होंने बारीकी के साथ हर एक कागज मान लीजिए कि आपके टाइम में आप हमारे पटवारी बड़े बिजी होते हैं, कई बार वो प्रेशर क्रिएट करके उनसे वर्क भी करवा लेते हैं, वो हमारे नायब साहब से भी गुजर जाता है, कई बार विधायक साहब से भी गुजर जाता है, लेकिन इनको मैंने एक ही काम दिया था, मैंने कहा चलो उनसे गलती हो जाएगी तुम्हारी गलती माफ नहीं होगी, हम हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कोई गलत फर्क आ जाता है उसको हम बैक करेंगे उनको ठीक करने के लिए भेजेंगे, लेकिन आप मेरे से गलत फर्क की रजिस्ट्रेशन कभी नहीं करेंगे, दो चार इशू ऐसे थे जिसमें हमने शायद वापस लेटर भी आपको भेजा तो आपने ठीक कर दिए भेजा, उसके साथ हमारे दो लड़के और थे आज, एक हमारे आदिल जी, मुझे लगा था स्टार्ट में क्या थोड़ा तो ढीला ही लगता है काम कर पाएगा, लेकिन जब मैंने उनको काम करते देखा इनका अपना काम करने का था, वही मैंने कहा ना हम प्रिय मोबाइल नहीं रहना चाहिए किसी के लिए कि क्या ये काम करेगा नहीं करेगा, हम मौका देंगे तो काम करेगा, हम मौका देंगे तो काम करेंगे, उसके अलावा जो आज हमारे एक और पटवारी साहब वो शहर से निकल गए जिन्होंने मेरे साथ काम किया, अच्छा काम किया उनका बहुत बढ़िया जन्म रहा, आप सब लोगों ने मेरे साथ काम किया, मेरे कुछ सीक्रेट पटवारी भी थे नाम नहीं बताऊंगा जो मुझे हर एक चीज के बारे में
शहर की, गांव की, बाहर की, हर एक रिपोर्टिंग करते थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। रिपोर्टिंग की बेस पे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में लाए जाने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि आप कहीं भी जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट में कभी लाइन वायरिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी इशू होता हमें बता दो, मैं इमीडिएटली कंसर्न को बता दूंगा ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट शांति से रहे। वो उनके लिए मैं उनका स्पेशल थैंकफुल कि आप लोगों के कारण अगर कोई भी किसी भी ऑफिसर का टेम्पर अगर ठीक निकलता है, इसमें सबसे बड़ा रोल ग्राउंड में जो काम करने वाला स्टाफ होता है, जो आप लोग जाते हैं फील्ड में, आपसे लोग ज्यादा खुल के बात करते हैं, हमसे थोड़ा हिचकिचाएंगे, हमारे से ऊपर वाले से हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिल्टर लोगों के लोग हैं, जनरल पब्लिक आपके पास है। और हर एक पटवारी के पीछे दूसरा पटवारी हमारा होता था जो रिपोर्ट करता था। अब ये पता नहीं कौन सा है, अब उसमें घुसने की कोशिश भी करता, लेकिन अब यही बात है ना कि पता कैसे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो चलती है ऐसे है, कुछ आप बताएंगे, किसी की खोज हम करेंगे, किसी की कोई और बताएगा, तो ये हमारा निजाम चलता है। मैं अपने जुबेर साहब को यही बताऊंगा, मैंने भी सोशल वेलफेयर सिटी सर्विसेज शुरू की है, एज ए सिटी को भी रहा, मैं एज ए डीएसडब्ल्यू रहा, डीएसडब्ल्यू का वक्त मैंने थोड़ा लंबा रहा, रेगुलरली 50 साल डीएसडब्ल्यू रहा, और उस दौर में मैंने इलेक्शन भी कराए, और स्पेशली जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं जा रहा हूँ, मैं उसी डिस्ट्रिक्ट में 4 साल डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी रहा हूँ। और ये डीएसडब्ल्यू की पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि आप जितना काम इस पोस्ट में कर सकते हो ना, उतना मुझे लगता नहीं किसी और पोस्ट में आप गरीबों की, मुस्लिमों की मदद कर सकते। पेंशन जो है लगाने इनके पास है, अकॉर्डिंग टू एक टाइम पर डीएसडब्ल्यू इन और सिटी को करते थे आंगनबाड़ी की, वो कोई और नहीं करते थे, ये करते थे। He was a permanent member of fourth class selection drive. उसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कैसे काम करते थे, लेकिन अब तो क्लोज हो गया, अब तो सारा एसएसआरटी के थ्रू होता है, और उसमें कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होती, लेकिन वो एक मौका हमें मिला है, उसमें हमने देखे किस टाइप से सिलेक्शन हम करते थे। फिर से मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप सब लोग किस्मत वाले हो कि आपको रहनुमा जो डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर मिले हैं वो है, पूरी टीम चेंज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके डीसी चेंज नहीं होने। डीसी साहब की अगर इतनी काबिलियत है कि वो नई टीम 2 दिन में खड़ी करेंगे और वैसे ही तरीके से चलाएंगे जैसे पहले चलता, और मुझे पूरी उम्मीद है जो नई टीम आई है वो हमारे डीसी साहब का पूरा साथ देंगे। और इलेक्शन एक थोड़ा पेचीदा मसला होता है, उसमें आप सब लोग हमारे डीसी साहब का पूरा साथ देंगे, और मुझे उम्मीद है कि हमारे डीसी साहब कोई ना कोई अवार्ड इस बार लेके ही जाएंगे। उसके साथ मैं फिदा साहब, बड़ी शायरी कर ली, मेरी बड़ी तारीफ कर ली, मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि जब मैं पहले पार्टनर से यहाँ आया था तो मैंने मैसेज पढ़ रहा था, तो एक भी ग्रुप ने कोई मुझे वेलकम बोला नहीं था, ना बोला था कोई आदाब ना कुछ, मुझे लगा संदर्भ है, क्योंकि मेरी हवाई ऐसी चली थी स्टार्ट में कि पता नहीं किस टाइप का बंदा है, कैसा आ गया, जीत आ गया, कौन आ गया, हमारे हक में होगा कि हमें दबाई करेगा। तो मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि प्रसेप्शन में ना जाओ, ना मीडिया पे जाओ, वन टू वन होकर बात करो, जो मुद्दे आपके होंगे खुद ब खुद दूर भी हो जाते हैं, और जब आप जाते हो उसके बाद अगर आपको लोग याद करें, मुझे लगता है यही हमारी सर्विस है। फिर से आप सारी पटवार एसोसिएशन का, क्लरिकल एसोसिएशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर साहब का, मेरे पहले वाले डीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब थे श्यामलाल जी का, हमारे अशोक सर थे, तारा साहब थे, राणा साहब थे, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे जैसे डिफरेंट पर्सनल कैरेक्टर्स के ऑफिसर के साथ काम किया, और मेरे सभी ऑफिसर के साथ बहुत ही बढ़िया ताल्लुक रहे, क्योंकि मैंने कभी अपने ऑफिसर को ना नहीं बोला है, और मैं अपने नीचे वालों से भी ना की पेश करते हमारे पास ने हमने कोई बात बोल दी तो इम्प्लीमेंट करना हमारा कर्म है और फर्ज है, तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना।